गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ आर एन रुइया राजकीय महाविद्यालय रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। बच्चों, इससे पहले मैंने 17 पार्ट में मेलोनिक एस्टर, दिस इज द मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर से हमने पार्ट 17, 16, 15 एंड 14 विभिन्न प्रकार के रसायनों का संश्लेषण हमने अध्ययन किया था और उनके बनाने का जो रिएक्शन थी वो हमने समझी थी। यहां पर ये लास्ट रिएक्शन है इसकी। पार्ट 17 में मैंने लिखा था एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस। देखिए क्या होता है कि इस दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, इस तरह की कंपाउंड्स का सिंथेसिस। बेसिकली ये जो रिएक्शन है साइक्लोएल्कीन, साइक्लोब्यूटेन, ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से है। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने आपको मेलोनिक एस्टर से पार्ट 17 में इसका बनाने का मेथड मैंने बता दिया था और एग्जाम में पिछले सालों के अलग अलग विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बच्चों साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन इन दोनों के बारे में पूछा है। तो हम आज इस सेशन में साइक्लोब्यूटेन इसके बारे में, बच्चों दिस इज द CH2, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साइक्लोब्यूटेन के बारे में हम देखेंगे किस तरह से ये बनता है। देखिए बच्चों, एक्चुअली मैंने आपको बताया था साइक्लोप्रोपेन में, क्योंकि दोनों में तरीका अलग है, हमने क्या पढ़ा था कि हम मेलोनिक एस्टर का डाइसोडियम सॉल्ट बनाते हैं, राइट। जब हमने मेलोनिक एस्टर के सिंथेटिक यूजेस स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बताया था कि यहां पर इससे C2H5 होल ट्वाइस, बच्चों इससे एक तो बनता है ये, इसे हम कहते हैं ये यहां पर सेम आ जाएगा, ये इसको हम बच्चों कहते हैं मोनोसोडियम सॉल्ट, दिस इज द मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ एस्ट्रोएस्टिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर। ये बना है मेलोनिक एस्टर का मोनोसोडियम सॉल्ट, और हम अगर इसकी रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो बच्चों यहां पर इसका भी फॉर्मेशन होता है इस तरह से, यहां पर इसका, दिस इज द डाइसोडियम सॉल्ट। और मैंने पार्ट 17 में आपको बताया था कि हमने मेलोनिक एस्टर का डाइसोडियम सॉल्ट लिया था और मेलोनिक एस्टर के डाइसोडियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने इस तरह से पढ़ा था CH2 ये ET का मतलब है इथाइल, राइट सी टू। बच्चों देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, मेलोनिक एस्टर के डाइसोडियम सॉल्ट ये बेटा इस तरह से यहां पर दिस इज रिमूव आउट और फॉर्मेशन क्या होता है यहां पर CH2 CCOOET एंड COOET।
ये मैंने आपको बताया था बच्चों इसके बनाने के लिए, राइट। और यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं साइक्लोब्यूटेन का जब हम सिंथेसिस करते हैं तब हम यहां पर देखिए मेलोनिक एस्टर के हम टू मॉलिक्यूल्स, वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ दिस, फॉर्मेशन होगा यहां पर इसके दो अणुओं का, मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर के दो अणुओं का राइट निर्माण होगा। ये टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज द वन टू डाइब्रोमो इथेन इसके साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर मैंने लिखा है डाई हेलो इथेन, यहां सीएल भी हो सकता है बीआर भी हो सकता है, क्योंकि कॉमनली जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं कॉमनली तो हम बात करते हैं आर सी एल और आर बी आर की, हम एफ फ्लोरीन और आयोडीन इनको हम कॉमनली नहीं लेते। तो यहां पर बच्चों देखिए दिस इज द वन टू डाइब्रोमो इथेन, इसके साथ रिएक्शन क्या होता है, यहां पर रिमूवल ऑफ दिस टू एन ए बी आर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। हमें यहां पर साइक्लाइजेशन करना है, क्या करते हैं वापस इसका सोडियम सॉल्ट जैसे हमने यहां पर पहले बनाया था इस तरह से बनाया था, हम वापस यहां पर इसकी कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के दो अणुओं के साथ कराते हैं, तो क्या होता है दिस हाइड्रोजन इज रिमूव आउट। बच्चों मैंने आपको बता दिया था ये मिथाइलिन ग्रुप रिएक्टिव होता है क्योंकि ये मिथाइलिन ग्रुप दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स के द्वारा सराउंडेड होता है, तो ऐसी स्थिति में इस पर उपस्थित हाइड्रोजन रिएक्टिव हो जाती है। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, पहले हमने यहां पर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और मोनोसोडियम सॉल्ट बनाया, मोनोसोडियम सॉल्ट की रिएक्शन वन टू डाइब्रोमो एथेन के साथ कराई, यहां पर रिमूवल ऑफ टू एनएबीआर फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इसकी वापस रिएक्शन कराते हैं बच्चों सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो देखिए दिस हाइड्रोजन इज रिमूव आउट और क्या बनता है दिस इज द यू नो माइनस। माइनस एंड दिस इज एन ए प्लस, इस तरह से वापस यहां पर डाइसोडियम सॉल्ट बनता है। अब देखिए बच्चों हम यहां पर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं आई टू से, राइट क्या निकलेगा बाहर टू एन ए आई इज रिमूव आउट और यहां पर ये साइक्लाइजेशन होता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, चलिए पहले मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखिए यहां पर हम क्या करा रहे हैं इसका हाइड्रोलाइसिस, अब एस्टर ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये रिएक्शन मैंने एसिटो एसिटिक एस्टर में भी कई बार बताई है और मेलोनिक एस्टर में भी कई बार बताई है। बच्चों एसिड का फॉर्मेशन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस राइट बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH, तो बच्चों यहां पर क्या होगा दिस इज द हाइड्रोलाइसिस तो फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक। बेटा यहां पर देखिए इस तरह से इस कार्बन पर इस तरह से दो कार्बन है CH2 COOH लाइक दिस, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अब क्या कर रहे हैं यहां पर सेकेंड स्टेप में इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पर क्या होगा एक कार्बन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सिंगल कार्बन एटम हैविंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहां पर रिमूवल ऑफ दिस CO2 एंड इट कम्स हियर, इसी तरह से यहां पर रिमूवल ऑफ CO2 एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। बेटा ये बन गया CH COH CH COH। अब वी आर यूजिंग
सोडा लाइम फॉर द कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हमें पूरी तरह से यहां पर देखो बेटा सोडा लाइम, ये चीजें 11th क्लास में आ जाती हैं, ये जो रिएजेंट्स बता रहा हूं ये हायर क्लास के रिएजेंट्स नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा। मैंने एसिटो एसिटिक एस्टर जब स्टार्ट किया था और उसमें क्लेजन संघनन के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने बताया था कि क्लेजन संघनन आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर अम्लों के व्युत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स और उसके अंदर एस्टर्स में इथाइल एसिटेट में उनकी रिएक्शंस जो थी उसमें क्लेजन कंडेंसेशन आपने पढ़ा था कि किस तरह से टू मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसिटेट सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। उसी तरह से यहां पर क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन वी यूज सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH + CaO फॉर द कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। राइट, अभी मैंने एक बात आपसे कही थी एक तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दो पॉइंट्स मैंने यहां डिस्कस किए हैं, एक तो अमीनो एसिड्स का डिस्कस किया है और अमीनो एसिड्स में मैंने दो अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस आपको बताया है, एक तो फिनाइल एलेनिन और एक ग्लाइसिन, क्योंकि बुक के अंदर फिनाइल एलेनिन का सिंथेसिस है और क्वेश्चन पेपर के अंदर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न का एसिटो एसिटिक एस्टर से संश्लेषण कैसे करोगे और पूछ रखा था ग्लाइसिन, तो बच्चे सब गलत करके आ गए उसमें। ये मैंने ये दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है और अलग यूनिवर्सिटी के दो बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाता हूं इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण और इसके अंदर जब मेलोनिक एस्टर से अमीनो एसिड्स की बात होती है तो मैं उसमें ग्लाइसिन का भी सिंथेसिस ऐड करता हूं। उसी तरह से पार्ट 17 में मैंने आपको बताया एलिसाइक्लिक या साइक्लोएल्केन का संश्लेषण मेलोनिक एस्टर से, राइट, तो वहां पर मैंने आपको प्रोपेन का बता दिया लेकिन क्वेश्चन ब्यूटेन के बारे में पूछा हुआ है, राइट। और एक प्रोबेबिलिटी और बता रहा हूं आपको मैं, हो सकता है क्योंकि यह रिएक्शन बीएससी पार्ट फर्स्ट में है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बनाने की विधियां उनके अंदर ये मेथड है, तो बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर तो हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये इनोलेट के एक कंपाउंड मेलोनिक एस्टर का ये पार्ट है, उसके रिएक्शन है, उससे संश्लेषण हमें करना है, लेकिन ये रिएक्शन हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ी है, आप बुक उठा के देखिएगा आपको दिख जाएगा उसके अंदर परकिंस मेथड, आई डोंट थिंक सो, मे बी इट इज परकिंस मेथड, ओके। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया अगर आपको करना हो ब्यूटेन की जगह पेंटेन का संश्लेषण तो बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर यू यूज गियर, देखिए यहां पर आपको पेंटेन अगर बनाना है CH2 II इसके साथ आप रिएक्शन करा, राइट, देखिए 2NaI बाहर निकलेगा और यहां पर CH2 ऐड हो जाएगा बच्चों, यहां पर CH2 ऐड हो जाएगा, हियर फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन। थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के अंदर छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बाकी मैंने आपको बेसिक्स सारा इसमें आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमारा इनोलेट्स कंप्लीट, दिस इज द पार्ट 18। नाउ वी स्टार्ट, ये आपके राजस्थान में अलग अलग विश्वविद्यालय में सिलेबस का पार्ट है 1,3-dithiene का एल्काइलेशन एल्कलीकरण। पहली बात तो 1,3-dithiene क्या है, इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3 दिस इज 1,3 है ना, हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, दिस इज डाई सल्फर को थाया कहते हैं, सो दिस इज डाई थाइन, ओके।
देखिए यहां पर 1,3-dithiene में जिस कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो वो कार्बन दो सल्फर से अटैच है। बड़ा क्लियर है यहां पर, जिस कार्बन पर दो सल्फर अटैच हैं उसी पर दो हाइड्रोजन अटैच हैं। मैंने दोनों तरीके से बोला है इसको, बॉक्स के अंदर किसी में कुछ लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर डाइथाइन में दो हाइड्रोजन उपस्थित हैं वो कार्बन दो सल्फर के साथ भी जुड़ा हुआ है। अतः हाइड्रोजन एटम की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, हाँ कुछ बहुत थोड़ा सा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दिस सल्फर इज हायर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बताया था कि सल्फर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन राइट, और यहां पर सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर बच्चों सल्फर, इसकी वजह से यहां पर उपस्थित हाइड्रोजन बाहर निकलने को तैयार हो जाती है। सो इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर डाइथाइन। सेकेंड पॉइंट बच्चों मैंने यहां डिस्कस किया है कि 1,3-dithiene ब्यूटाइल लिथियम से क्रिया कराने पर, सो इट्स ए कॉमा, देखिए बच्चों 1,3-dithiene की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब कराते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, दिस H+ इज रिमूव आउट, यहां क्या बनता है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन, है ना। और हम बोलेंगे इसे लिथियम 1,3-dithiene का लिथियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एक और स्टेप मैंने यहां पर बताया, देखिए कि ये जो बनता है हमारे पास, क्योंकि हमारा प्रोसेस मैंने क्या बताया है, एल्काइलेशन, किसका एल्काइलेशन, इसका 1,2,3-dithiene का एल्काइलेशन, ठीक है। तो बेटा देखो एक पहली बात तो हम क्या देखते हैं कि दिस हाइड्रोजन इज रिमूव आउट, तो हमने कहा कि इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जिस कार्बन पर ये दो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसी कार्बन पर दो सल्फर भी जुड़े हैं, तो ये एसिडिक इन नेचर, हमने इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल लिथियम से कराई राइट, तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन और इस तरह से डाइथाइन का सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, सो दैट 1,3-dithiene के लिथियम सॉल्ट की रिएक्शन रिएक्ट विद द एल्किल हैलाइड, क्लियर। तो देखो बेटा दिस यू नो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट LiNaKRb यू नो रिएक्ट इमीडिएटली विद द हैलोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ LiCl और LiBr, है ना, एंड दिस एल्काइल बिकम्स हियर, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल 1,3-dithiene राइट। बच्चों यहां मैंने ये 1,3-dithiene स्टार्ट किया है और इसको परीक्षा में हालांकि बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन पिछले मुझे 20-22 साल का याद है, 2-3 बार इसको पूछा गया है, छोटा सा एक नंबर का, कि एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइन को समझाइए, है ना। कई बार एग्जामिनर एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया उसके अंदर, तो क्योंकि क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में या पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, जोधपुर का पैटर्न अलग है, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर का पैटर्न अलग है, ब्रज विश्वविद्यालय का अलग हो सकता है और मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का अलग हो सकता है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर में है कि 6.5 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 3 पार्ट दे दिए, उसमें ए और बी वो दे दिया 2.5 नंबर का और एक नंबर एक पार्ट दे दिया 1.5 नंबर का राइट। तो इस तरह का शॉर्ट नोट उसमें पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एल्काइलेशन ऑफ डाइथाइन, डाइथाइन के एल्किलीकरण को समझाइए।
इस टॉपिक को बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा, आप इसका ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।